हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al, जिसका एटॉमिक नंबर है 13 और यह बोरॉन ग्रुप के अंदर आता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में बोरॉन के जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। और बोरॉन ग्रुप की बहुत सी प्रॉपर्टीज यह मेटल एग्जिबिट भी करता है। इस वीडियो में हम एल्यूमिनियम के बारे में बेसिक जानेंगे, एल्यूमिनियम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्यों इसे जादुई मेटल कहा जाता है, क्यों इंजीनियर्स को यह मेटल इतना ज्यादा पसंद है, कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है एल्यूमिनियम की, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। पता नहीं इस वीडियो में मैं और क्या क्या बताऊंगा, तो आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम क्या है और ये कहां से हमें मिलता है, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद अर्थ में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम ही हमें नेचुरली मिलता है। अर्थ की क्रस्ट का टोटल कंपोजिशन में से 8% बॉक्साइट है, यानी कि एल्यूमिनियम का ओर है। तो एल्यूमिनियम ना बॉक्साइट से मिलता है हमें, और बॉक्साइट को कई तरह की प्रोसेस से गुजारा जाता है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस भी होती है और बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं जिसके बाद बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम मिलता है। बेसिकली बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम का एक फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना मिलता है। इसका फॉर्मूला है Al2O3। अब हम एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। एल्यूमिनियम में बहुत सी खास प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण इंजीनियर्स इसे बहुत पसंद करते हैं। कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 658 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 90 मेगापास्कल से 150 मेगापास्कल के बीच में वैरी करती है। यह तीनों ही प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7। कॉपर देख लीजिए, स्टील देख लीजिए, कास्ट आयरन देख लीजिए, इन सब मेटल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 के ऊपर ही है, यानी कि यह सब मेटल ज्यादा भारी हैं, ज्यादा डेंस रहे, जबकि एल्यूमिनियम हल्का है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम है। और जैसा मैंने आपको बताया, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 658 डिग्री सेंटीग्रेड, जो दूसरे मेटल से बहुत कम है, लेकिन इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। तो यह सब प्रॉपर्टीज देख के हमको एक बात समझ में आती है कि एल्यूमिनियम एक वीक मेटल है, एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मेटल है, इसका हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। नेचुरली एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा वीक है। बॉक्साइड से जो हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना मिलता है या Al2O3 मिलता है, इसका प्योर फॉर्म जो रहता है उसे ही हम एल्यूमिनियम कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ अलॉयिंग एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए इसमें कुछ अलॉयिंग एलिमेंट जैसे कि क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बहुत से अलॉयिंग एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, जिसके बाद एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और अलग अलग कंपोजिशन जो है अलॉयिंग एलिमेंट के, उस हिसाब से एल्यूमिनियम के अलग अलग नाम भी हैं। एल्यूमिनियम के अलॉयज के बारे में आगे चल के आपका बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा। तो एल्यूमिनियम में अलॉयिंग एलिमेंट्स को मिलाने के बाद एल्यूमिनियम की जो सॉफ्टनेस है वो गायब हो जाती है, एल्यूमिनियम स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात और सबसे खास बात जो इंजीनियर को बहुत ज्यादा पसंद है वह यह है कि एल्यूमिनियम का हल्का वजन, लाइट वेट वाली प्रॉपर्टी बरकरार रहती है। यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने बताया था कि ये 2.7 है, जो दूसरे मेटल से बहुत कम है, जिसके कारण एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा हल्का है अगर हम इसे कंपेयर करेंगे दूसरे मेटल से। तो और जैसा मैंने बताया ये सॉफ्ट है, ये वीक है, तो इसमें अगर हम अलॉयिंग एलिमेंट्स मिला देंगे तो ये स्ट्रांग बन जाएगा, जबकि इसका वजन जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, यानी कि ये उतना ही हल्का रहेगा जैसा ये पहले था। इसके कारण इसके एप्लीकेशन बहुत बहुत सारे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर स्पेस इंडस्ट्री में, जहां आप देखेंगे अपने आसपास वहां आपको कोई ना कोई नालको का प्रोडक्ट इंडिया में दिखेगा, या फिर आपको एल्यूमिनियम इंडिया में हर जगह दिख जाएगा। बहुत कॉमन मेटल है एल्यूमिनियम, और क्योंकि यह बहुत हल्का है, अलॉयिंग एलिमेंट्स को मिलाने के बाद ये स्ट्रांग हो जा रहा है, तभी इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा यूज इंजीनियर्स करते हैं। बेसिकली जहां भी हमको किसी भी चीज का वजन कम करना है, जहां भी हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है मशीन की, जहां भी हमको वजन कम करना है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, अगर वजन ज्यादा रहेगा तो अगर पार्ट्स घूमेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो हम वहां पे एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम क्योंकि हल्का है और स्ट्रेंथ भी इसकी बहुत अच्छी है, जिसके कारण ये एक इफेक्टिव मेटल साबित होता है।
इसके बाद और कुछ खास प्रॉपर्टीज है एल्यूमिनियम की, जैसे कि ये डक्टाइल है, इसमें करोजन नहीं होता और ये टॉक्सिक नहीं है। इन प्रॉपर्टीज के कारण भी बहुत से एप्लीकेशंस है। अगर आप 100 साल पुराने घर में रहते हैं या फिर अगर आपका घर 70 साल पुराना है और आपके घर की वायरिंग चेंज नहीं हुई है, तो हो सकता है कि आपके घर में अभी भी एल्यूमिनियम की वायरिंग हो। अगर आपके घर में अभी भी एल्यूमिनियम की वायरिंग है भाई लोग, तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। एल्यूमिनियम का वायर के रूप में बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, वायर के रूप में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा होने के साथ साथ इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ताबड़तोड़ है। और क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, इसलिए यह बर्तन बनाने के लिए, किचन के बर्तन बनाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, कुकर बनाने के लिए। और एल्यूमिनियम फॉइल्स आपने यूज किया होगा अपने खाने को रैप करने के लिए, तो यह नॉन टॉक्सिक है करके इसके एप्लीकेशन यहाँ पे भी हम कुकिंग में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, केमिकली बहुत स्टेबल मेटल है एल्यूमिनियम। तो जैसा मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम का यूज एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, स्पेस इंडस्ट्री में, पावर प्लांट्स में, हर जगह बस आपको अपने आसपास कुछ दिखेगा तो वो है एल्यूमिनियम या फिर स्टील, और थोड़ा बहुत कास्ट आयरन भी आपको दिख जाएगा। बहुत ज्यादा हम लोग एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, और वह क्यों है, उसका क्या कारण है, वह मैंने आपको बताया। कुछ खास प्रॉपर्टीज है एल्यूमिनियम की जिसके कारण इसका यूज इतना ज्यादा हो रहा है। आगे चल के एल्यूमिनियम अलॉयज के ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और एल्यूमिनियम कहाँ से आया और एल्यूमिनियम से क्या क्या बन रहा है, वह सब मैंने आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने क्यों सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान, जय किसान।